उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज भोर में प्रवासी मजदूरों से भरी एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे बस में सवार एक दर्जन मजदूर घायल हो गए। हाईवे में बस पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों को घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाइव विजुअल में आप देख सकते हैं कि कैसे बस पलटने के बाद यात्री बस के टूटे शीशे से बाहर निकल रहे हैं। डरे घबराए हुए यात्री अपना सामान लेकर टूटे शीशे से बाहर आ रहे हैं। पीछे से आवाजें आ रही हैं, 112 नंबर नहीं लग रहा है, लग गया है, लग गया है। यह विजुअल बस पलटने के तुरंत बाद का है। बस के ड्राइवर ने बताया कि नींद की झपकी आने के कारण बस पलट गई है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला मुख्यालय के सिटी फॉर स्टेट के पास स्टेट हाईवे में आज सुबह नोएडा से 31 मजदूरों को लेकर महोबा जिले जा रही कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस पलट गई। हादसा चालक को झपकी आ जाने से हुआ, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार आधा दर्जन मजदूरों को चोटें आई हैं। प्रवासी मजदूरों की बस पलटने की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में डीएम एसपी सहित पूरा अमला घटनास्थल पर जा पहुंचा। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को महोबा जिले के लिए रवाना कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद से ही उनके साथ लगातार हादसे हो रहे हैं। आज बस पलटने की यह घटना भी इसी का उदाहरण है। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जान मान की हानि नहीं हुई है। हमीरपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। से ना महोबा आ रहे थे, तो महोबा थे हमीरपुर में बताया कि रोड के रही हाईवे पे, तो उसको है ना नींद का झपका लग गया, इसलिए उसको ना उसने बीम पे चढ़ा दी गाड़ी। कितने लोग घायल हो गए थे? कम से कम 15 लोग से ज़्यादा, 15 लोग 20 लोग। क्या नाम है आपका? जयपुर। एक्सीडेंट हुआ है? हम लोग नोएडा से आ रहे थे, ये हमीरपुर में क्या दूसरा कौन सा रूम पड़ता है ये मालूम नहीं मुझे, हमीरपुर के और जो भी पड़ता हो इसके बीच में हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं? वही करीब करीब 20-20 लोग के फिर घायल हुए, क्योंकि गाड़ी के जो है तो चारों पहिए ऊपर ही थे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार शुक्ला। ये आज सुबह 5:30 बजे के करीब एक बस जो कि महोबा जा रही थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में। इसमें कुल 31 लोग थे, जिसमें से कि 20 पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 11 लोगों को माइनर इंजरी आई थी, इन सभी का प्राथमिक उपचार कराते हुए, इनके खाने पीने की व्यवस्था करवाते हुए इनको अपने गंतव्य महोबा तक भिजवा दिया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.